आज से वीडियो बनाऊंगी कलीरे वाले बैंगल जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। और यहाँ पर मैं पुराने बैंगल का तो यूज़ करूंगी ही सही, बट मैं इसमें यूज़ करूंगी जो ढक्कन होता है हमारे दवाई का, जैसे हम दवाई लेते हैं उसको भी मैं इसमें यूज़ करूंगी और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये बैंगल्स कैसे लगे। तो यहाँ पर मैंने 6-7 बैंगल्स लिए हैं, इनको आपस में फैब्रिक ग्लू से चिपका दिया है, फिर इसके ऊपर बहुत सारा ग्लू लगा दूंगी। और यहाँ पर मैंने ये लेस ली है तो लेस को भी इसके ऊपर पूरा चिपका दूंगी, तो पूरे बैंगल पर इसकी वापिंग कर दूंगी। और आप चाहें तो लेस की जगह पर सिल्क थ्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं, जो होती है गोल्डन कलर की, उसका यूज़ भी आप इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये ड्राई होने पर इतना नहीं दिखेगा, बट ये बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हुआ क्योंकि जो मौसम है बहुत ही बारिश हो रही है, धूप तो आई नहीं है बिल्कुल 6-7 दिन से, तो इसलिए ये पूरा अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है इसमें, बट इट्स ओके। तो इसके जो आसपास वाला पार्ट है उसको मैं पूरा कट कर दूंगी क्योंकि वो यूज़फुल नहीं है। अब क्या करेंगे, ऐसे ही एक और को भी रेडी कर लेंगे। अब इसका जो आसपास वाला पार्ट है इसके ऊपर मैं ग्लू लगाकर स्टोन चैन को लगा दूंगी। और हाँ, हम इस पर फ्रेम कुंदन का भी यूज़ करेंगे, आप चाहें तो स्टोन चैन की जगह पर फ्रेम कुंदन का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मैं इसमें स्टोन चैन को दोनों तरफ लगा दूंगी। और अगर आपको मेरे हैंडमेड ज्वेलरी की वीडियोज़ या फिर राखी की वीडियोज़ या फिर क्राफ्ट की वीडियोज़, क्ले की वीडियो, रेसिन की वीडियो, कलेरे की वीडियोज़ या फिर ब्राइडल लटकन की वीडियो, मतलब जिस टाइप की वीडियोस भी आपको देखनी है ना, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए, तो आप किसी भी तरह की वीडियोस देख सकते हैं। और हाँ, आप नोज रिंग, नोज पेन, इनका वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। इसी ही दोनों तरफ मैं स्टोन चैन को लगा दूंगी। और जो इसका एक और पेयर है वो इसको भी मैं ऐसे ही रेडी कर दूंगी। देखिए ड्रायर हो गया है। अब यहाँ पर मैंने ये ढक्कन लिया है जो कि दवाई का है, तो मैं इसको पहले बीच में से हॉल कर दूंगी। और ये जो टूल है ये आपको अमेजोन पर अवेलेबल हो जाएगा इसे होल कर। और आप चाहें तो इसमें सुई का यूज़ भी कर सकते हैं, सुई को गर्म कर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें हेडपिन को लगाकर पर्ल को लगा दूंगी, फिर बाकी के हेडपिन को कट कर दूंगी और फिर आगे से इसको ऐसे ट्विस्ट कर दूंगी ताकि हम इसको बैंगल में अटैच कर सकें। अब यहाँ पर मैंने ये लेस ली है जिसको बोलते हैं पाइप वाली लेस, और ये आपको पता ही होगा, आपने देखी होगी इसको अधिकतर वाली लेस को। और इसको ये तो आपको बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगी लोकल शॉप पर ही। और यहाँ पर मैंने एक ग्लू लिया है B7000 नाम है इसका, तो मैं इस पर ग्लू से इस लेस को लगा दूंगी। और आप चाहें तो इसमें इस लेस की जगह पर अदर लेस का यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसका इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी लटकन है, हमको इसमें कुछ भी अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से जो झुमका है वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है, फैब्रिक ग्लू से मैं इसमें इसको लगा दूंगी फ्रेम कुंदन को पत्ती शेप के। और आप फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ करना क्योंकि फैब्रिक ग्लू थोड़ा कम कॉस्टली पड़ता है, B7000 ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। और मैं उन चीज़ों में उसका यूज़ करती हूँ जिसको हमको इंस्टेंट ही चिपकाना हो, और फैब्रिक ग्लू का जब यूज़ करती हूँ जब हम उसको अच्छे से ड्राई होने के लिए रख सकते हैं 3-4 घंटे के लिए, तो आप फैब्रिक ग्लू का ही यूज़ करना उसमें। अब जो फ्रेम कुंदन है उसको मैं पूरा वर्क कर दूंगी, ऊपर वाले पार्ट पर, नीचे वाले पार्ट पर, ऐसे इसको पूरा वर्क कर दूंगी, पूरा कवर कर दूंगी फ्रेम कुंदन से। और आप चाहें तो इसमें झुमका बेस का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने इसका कैप का यूज़ किया है। आप किसी भी ऐसी ढक्कन वाली चीज़ का यूज़ कर सकते हैं या फिर जो पूरे फ्लैट ढक्कन होते हैं आप बिल्कुल उसका यूज़ भी कर सकते हो, उसमें आप लेस लगा देना, लगेगा ही नहीं कि वो ढक्कन है। अब ये जो लेस है इसमें मैं सुई धागे से इसको अटैच कर दूंगी जिसको हमने रेडी किया है ढक्कन को। और आप पुराने बैंगल से बहुत ही अच्छे अच्छे बैंगल्स क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो पे आप कमेंट करके बताना कि आपको ऐसी ही और वीडियो देखना हो तो, और इसको लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मैं अपने वीडियोज जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। और हाँ, आप मुझे ये बताना कि मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है, मतलब मैं आपको समझाती हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आता है कि नहीं, कि मैं क्या बोल रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे बताना कि आपको कैसा लगता है समझाने का तरीका। अब जो बाकी का थ्रेड है उसको मैं कट कर दूंगी, इसमें हमने अटैच कर दिया है। अब फ्रेम कुंदन को भी फैब्रिक ग्लू से इसमें चिपका दूंगी, सबसे लास्ट वाला पार्ट है इसका, कंप्लीट हो गए हमारे बैंगल।
और देखना अभी पहनने पर कितने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा बट मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी। और सेम टू सेम इसकी मैचिंग के मेरे पास रखे थे रेडीमेड वाले, वो चूड़ियाँ रखी मेरे पास, तो बिल्कुल से मैच हो गई, तो मेरा तो पूरा सेट ही रेडी हो गया बेंगल्स का। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में, मतलब इसको पहनेंगे हम लहंगे पर, सूट पर, शरारे पर, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। देखिए कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आई एम श्योर आपको भी ये बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और इसको आप ज़रूर शेयर करना अपने फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, जो भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं उनके साथ ये वाली वीडियो आप ज़रूर शेयर करना। एंड आई रियली होप कि आपको ये वाला वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।